हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के ग्राम समाज एवं विकास के अध्याय वार प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे, इसमें जो है प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस चैप्टर 7 तक हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8, जिसमें हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 130+ के आसपास क्वेश्चन है इसमें, तो इसको हम देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, खासकर यूपी लेखपाल के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान से संबंधित और पंचायती राज से रिलेटेड जो करके जितने भी क्वेश्चन हैं उस टाइप के इसमें समाहित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसके प्रीवियस चैप्टर को भी देखिएगा। पिछला जो चैप्टर हो चुका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पेज से जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पंचायती राज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरम्भ किया गया, कहाँ पर आरम्भ किया गया ये बताना है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज, तो आंसर की बात करेंगे तो सर्वप्रथम राजस्थान में इसको आरंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन अगर हम देखें तो पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गाँव एक है जो कि नागौर जिला में पड़ता है राजस्थान में, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश ने भी वर्ष 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति किस वर्ष से शुरू हुई। ऑप्शन में दिया गया 1950, 1951, 1952 या फिर 1948। इसमें बताना कि संविधान जब लागू हो उसके बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति किस वर्ष से शुरू हुआ, क्या होगा इसका आंसर। अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 1952 में जो है विशेष प्रगति स्टार्ट हुआ। इसके बारे में आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लागू होने के बाद जो है संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ से हुआ, और यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसके दो प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास, और दूसरा था जनता की सहभागिता। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जो है पंचायती भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है एल एम सिंघवी समिति, दूसरा है पी के थुंगन समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा है जी वी के राव समिति। इसमें से बताना है कि कौन जो है सबसे पहले आया, इसके बाद सबसे बाद में, इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया, इस तरीके से हमें जो इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उत्तर इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन इसमें सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 3, 4, 1, 2। क्यों, अब इसको हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था वो 1977 में दिसंबर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में प्रस्तुत की थी, और इस समिति ने जो है 132 सिफारिशें पेश की थी। इसके बाद जी वी के राव समिति जो गठन हुआ था 1985 में किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में सरकार को सौंपी थी। इसके बाद एल एम सिंघवी का जो समिति था इसका गठन 1986 में हुआ था, और पी के थुंगन समिति का गठन जो 1988 में किया था। सबसे लास्ट में कौन आया, पी के थुंगन समिति, सबसे पहले इसके अनुसार अशोक मेहता समिति। अगर इसमें बलवंत राय मेहता समिति दिया होता तो वो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, 1957 में उसकी सिफारिश किया गया था, गठन किया गया था उसके समिति का। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें भी जी वी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति और अशोक मेहता, इनके और इनके इनके बारे में ऊपर देख चुके हैं, और अब बचा इसमें बी आर मेहता समिति। ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति तीसरा इसमें आ ही गया। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा जो बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में गठित हुआ था, ये 1977 में आया था। ठीक है, इसके बाद ये दोनों 1985-86 के आसपास, तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा पहला हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में तीसरा यही दिया गया है। अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं सी पार्ट में। बलवंत राय मेहता समिति जो आया 1957 में गठित हुआ, अशोक मेहता समिति 1977-78, जी बी के राव 1985 और एल एम सिंघवी समिति 1986 में आया। तो इस तरीके से कालानुक्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, या फिर चिमन भाई मेहता, या फिर राजीव राज मेहता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो वो था बीर पार्ट, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पूरे देश में, जो कि 1957 में इन्होंने सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, या फिर प्रधान को? किसको कहते हैं लोकतंत्र की पाठशाला? तो आंसर बताइए। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो है लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था की नींव है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुदृढ़ होना आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। ये हो गया इसका एक्सप्लेन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, जी वी के राव, बी आर मेहता, या फिर एल एम सिंघवी समिति? किसको कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति, बताइए इसका क्या आंसर होगा? अशोक मेहता समिति के द्वारा किस पंचायती राज के प्रतिमान की संस्तुति किया गया था? एक स्तरीय था, या फिर दो स्तरीय, या फिर त्रिस्तरीय, या फिर चार स्तरीय? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, द्विस्तरीय मांग किया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आया था, ने त्रिस्तरीय पंचायती के पद्धति के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। जिला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए, ये इनके द्वारा सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा प्रदान किया गया था या कहा गया था, सिफारिश किया गया था? एल एम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? जिस कमेटी ने संवैधानिक स्थिति को प्रदान करने का सिफारिश किया था तो वो थे एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा जो है ये संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो एल एम सिंघवी कमेटी जो थी 1986 में, इनके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सिफारिश की गई थी। गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाना, ये भी इनमें कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, बताना? अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति, संथानम समिति, या फिर बी आर मेहता समिति? कौन सा समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी इसमें अशोक मेहता, जी वी के राव और बलवंत राय मेहता यानी कि बी आर मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। संथानम समिति का गठन 1962 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति के सिफारिश पर के आधार पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो संथानम समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं, इसमें भी बताना है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंघवी समिति, सादी कली समिति, या फिर अशोक मेहता समिति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी एक जो है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था। इस समिति ने भारत में होने वाले चुनाव के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिशें की थी। समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह थी कि किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, या जिला पंचायती राज अधिकारी में, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग में? किसमें होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट,
राज निर्वाचन आयोग ही करवाता है पंचायती राज के चुनाव को, ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेन देखते हैं, अनुच्छेद 243 के, ठीक है, के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि इसे पूछ लिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, जिसे निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदाविधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1993 में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया खंड भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक प्रावधान पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो कि 11वीं अनुसूची थी और इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है जो अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून को, 24 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या फिर 24 सितंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था, तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था, ठीक है, इसके कारण ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जन पंचायत, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ग्राम पंचायत का व्यवस्था के तहत जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब एक्सप्लेन में अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत का निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। गाँव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव भी सीधे लोगों द्वारा चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये बताना है कौन सा अनुच्छेद वो है, ठीक है। तो इसके अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद ये 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया खंड भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक प्रावधान पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है कब से प्रारंभ होता है, चुनाव की तिथि से, परिणाम होने की घोषित तिथि से, या फिर पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, पंचायत की प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से जो है शुरुआत होता है काल, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल जो होता है पंचायत के प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का होता है। यदि समय पूर्व उन्हें विघटित किया जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है, परंतु जहां शेष 6 माह से कम हो वहां नई पंचायत का चुनाव आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के लिए बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या फिर भारत का राष्ट्रपति, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है वो है राज्य का जो है विधानमंडल। कौन होता है, राज्य का विधानमंडल, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य के विधानमंडलों को जो है पंचायत की संरचना करने के बाद उपबंध करने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकते हैं जिससे वो स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राज पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, किसके अंतर्गत संगठित किया गया, यह बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उन्हें जो है गठित किया गया, संगठित किया गया, और कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत। अब 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन से सम्मिलित है,
तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सम्मिलित है, नगर पंचायत नहीं सम्मिलित है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। किस में 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसके आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होती है चीज़ें, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुच्छेद 243 के अनुसार भाग 9 से संबंधित प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होता। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये अगर सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 ने भाग 9 को संविधान में जोड़ा, इसने अनुच्छेद 243 से 243 रा तक जो है प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए पंचायतों शीर्षक दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण जो है प्रदान करता है। आंसर की बात करें तो 243D जो है ये सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है SC ST के लिए, SC ST के लिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243D के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान जो है आरक्षित होंगे, प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा जो किसी भी स्थिति में कुल सीटों का 1/3 से कम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, फिर दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ये एक सही है। ठीक है, दो गलत है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को आरक्षण अनुच्छेद 243D(3) में दिया गया है जो किसी भी स्थिति में कुल सीटों के 1/3 से कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती, यह एक प्रयोग है, किसका प्रयोग है, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, किसका यह जो है एक प्रयोग है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है ये प्रयोग है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वो अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सकें। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु या फिर 18 वर्ष की आयु, तो वह व्यक्ति कौन सा होगा जो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मिनिमम 21 वर्ष की आयु इसमें होनी चाहिए, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती चुनाव लड़ने के न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, किसी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर पंचायत में सीट भरने के लिए योग्य माना जाए यदि उसका नाम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज हो, उन्होंने अपनी 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के मामले में वह उन जातियों में से किसी एक या उन जनजातियों के सदस्य जैसा भी मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के मामले में ऐसा व्यक्ति एक महिला है वो रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रतिज्ञान का शपथ लेता है, उन्हें इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत जो अयोग्य नहीं ठहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड और जिला पंचायतों की समय सीमा में जो है परिवर्तन का अधिसूचना कौन जारी करता है, इसका आंसर क्या होगा, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग या फिर संभागीय आयुक्त या फिर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसके आंसर की बात करेंगे तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, तो वह है 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और यह प्रत्येक राज्य में गांव स्तर और मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर संस्थाओं का गठन करता है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, या फिर लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत नए पंचायती राज अधिनियम को लागू कर एक शक्तिशाली स्थानीय स्वशासित सरकार अर्थात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था एक भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों का एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ठीक है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। इनमें से कौन सा गलत है बताना है, ठीक है। गलत ऑप्शन को बताना है, इसमें से कौन है? आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट गलत है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से जो दिया गया यह गलत है, बी पार्ट इसका हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, ठीक है, वहाँ पे 15 अगस्त दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया खंड भाग 9 जोड़ा गया, उसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक प्रावधान पंचायतों से संबंधित है। भारत संविधान में एक नई सूची 11 जोड़ी गई अनुसूची और इस सूची में टोटल 29 विषय हैं जो अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या फिर ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी होता है, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों की हिस्सेदारी होती है, सामुदायिक विकास भी होता है। भारत के पंचायती राज में सभी शक्तियों के विकेंद्रीकरण, प्रशासन के लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज को मजबूत बनाने के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, जिसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का एक तिहाई, महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का एक चौथाई, या फिर परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार है। क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कुल स्थानों का एक तिहाई है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण, ठीक है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 243 घा। कौन सा अनुच्छेद है? 243 घा, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है सी पार्ट, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख का चुनाव भी सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो उसमें टोटल 29 विषय हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 29 विषय जोड़े गए थे जो कि अनुच्छेद 243 जी से संबंधित हैं। और अगर हम इसमें देखा जाए तो भूमि विकास, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवास, पेयजल आदि प्रमुख हैं विषय शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त कब नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये बताना है, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसमें जिसे निर्वाचन नामावली तैयार करने, निर्वाचनों का अधीक्षण
निर्देशन नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में पदावधि के किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क ग्रामीण ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए प्रधान निर्वाचित करती है। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा प्रधान को 10 दिन की पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत से हटाया जा सकता है। इसके बाद इसमें डी पार्ट है, हटाए गए प्रधान के रिक्त पद को नए चुनाव द्वारा भरा जा सकता है। इसमें से बताना कि कौन सा गलत है। ठीक है, अगर हम देखें ग्राम सभा के संदर्भ में गलत, तो गलत ऑप्शन इसमें सी पार्ट होगा। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा प्रधान को 10 दिन पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत से हटाया जा सकता है, यह गलत है। बाकी इसमें तीनों सही हैं। क्यों गलत है इसको देखते हैं। ठीक है, ग्राम सभा उसमें सदस्य होते हैं जिसमें मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से आयु के सभी वयस्क ग्रामीण होते हैं। ठीक है, और प्रधान की बात करें तो 21 वर्ष से आयु के कम न हो प्रधान जी, कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। और इसके बाद प्रधान की बात करें तो हटाने का प्रावधान कैसे, तो 15 दिन की पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 1/2 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए। रिक्त स्थान को भरने का प्रावधान, नए चुनाव के दौरान नया निर्वाचित स्थान प्रधान होते हैं उनका कार्यकाल क्या होगा, शेष अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा, न कि 5 वर्षों के लिए। तो इस तरीके से चलता है चक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। इनमें से बताना कौन सा सही है, पहला सही है या फिर दूसरा सही है या फिर दोनों सही है। क्या हो जाएगा इसके आंसर, इसके आंसर की बात करेंगे तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। पहले में 25 वर्ष दिया जो कि गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है वो भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्य करती है। ठीक है, यानी कि जब जितना साल जो है शेष पंचायत ग्राम प्रधान अगर कर लिया है कार्यकाल उसका पूरा, मान लीजिए 5 साल का होता है, 5 साल के पहले उसको भंग कर दिया गया 2 साल पर। ठीक है, तो बाकी इसका जो कार्यकाल बचा 3 साल, तो यहाँ पर जो अब प्रधान चुना जाएगा नया वो सिर्फ उसका कार्यकाल 3 साल का ही होगा। ये इस तरीके से बातें कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा कितने सदस्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 2000 से अधिक परंतु 3000 से कम जनसंख्या वाले में कुल 13 सदस्य हो सकते हैं और एक ग्राम प्रधान हो सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत एक ग्राम प्रधान प्लस 9 से 15 सदस्य। ठीक है, 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य और 2000 से अधिक परंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा सही है कथन। वार्ड मेंबर का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक गांव को उतने ही वार्डों में विभाजित किया जाता है जितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा कथन इसका। आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सही है बी पार्ट। प्रत्येक गांव को उतने ही वार्डों में विभाजित किया जाता है जितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आयोजित बैठक में सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। तो ये दिया जाता है कम से कम 5 दिन पूर्व, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत की आयोजित बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाता है। प्रधान तथा इसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान तथा उप प्रधान की पद मुक्ति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। इसके लिए प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक लिखित सूचना पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें बी, सूचना प्राप्त के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। सी है, बैठक की उपस्थिति वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान तथा उप प्रधान को हटाया जा सकता है या फिर उपयुक्त सभी प्रधान उप प्रधान की पद मुक्ति। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है प्रधान तथा उप प्रधान की पद मुक्ति के संदर्भ में। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट गलत हो जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर लिखित
एक लिखित सूचना पंचायत राज को अधिकारी दी जाएगी, ये गलत है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। तो प्रधान तथा उप प्रधान की पदमुक्ति कैसे होती है? तो हटाने के लिए प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक लिखित सूचना पंचायती राज अधिकारी को दिया जाता है। हस्ताक्षर करने वालों में से तीन लोगों को जिला पंचायती राज अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा और सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी के ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकेगा। प्रतिबंध की बात करें तो हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के एक वर्ष के अंदर नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान तथा उप प्रधान की पदमुक्ति से संबंधित प्रस्ताव 2/3 से पास नहीं होता तो उसी प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक कब तक नहीं बुलाई जा सकेगी? तो वो एक वर्ष तक नहीं बुलाई जा सकेगी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधान के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? इसके द्वारा ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। यह पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन का रखरखाव करता है। पंचायत द्वारा जो है बुलाए गए सभी पंचायत द्वारा लगाए गए शुल्क की वसूली तथा पंचायत की संपत्ति सुरक्षा प्रदान ही करता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ग्राम प्रधान के कार्यों की बात करें तो पंचायत की आर्थिक व्यवस्था एवं प्रशासन का रखरखाव करना, ग्राम सभा के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, पंचायतों द्वारा लगाए गए शुल्क की वसूली तथा पंचायत की संपत्ति सुरक्षा करना और गांव में विकास कार्यों को करना, गांव में जो है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, इतने सारे कार्य जो है प्रधान के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की समिति है? प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उपयुक्त दोनों जो है ग्राम पंचायत की समिति होती है। ठीक है, देखते हैं। ग्राम पंचायत की समितियों की बात करें इसमें, देखिए इसमें शिक्षा समिति होती है, नियोजन एवं विकास समिति होती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति और निर्माण कार्य समिति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सारी समितियां ग्राम पंचायत की होती हैं। अब एक एक करके नियोजन एवं विकास समिति की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना होता है। और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का कार्य क्या होता है? तो ये जो होता है चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण, विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन करना, ये जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद जल प्रबंधन समिति का कार्य क्या होता है? तो राजकीय नलकूपों का संचालन व पेयजल संबंधी कार्य करना। इसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको सुन लीजिए। इसके बाद शिक्षा समिति का कार्य क्या होता है? तो प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता से संबंधित कार्य जो होता है वो शिक्षा समिति का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद दो कार्य इसमें और हैं दो समिति के। निर्माण कार्य समिति के कार्य की बात करें तो सभी निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना इसका काम होता है। प्रशासनिक समिति का कार्य होता है कर्मियों तथा संबंधी सभी विषय के राशन की दुकान संबंधी कार्य करना। यह हो गया ग्राम पंचायत की समितियाँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति में सभापति एवं सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्या होगा इसके आंसर? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो संख्या होती है वो होता है एक सभापति तथा 6 अन्य सदस्य, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। नियोजन एवं विकास समिति सदस्यों के ढांचा की बात करें तो एक सभापति होता है जो ग्राम प्रधान होता है, 6 अन्य सदस्य जो होते हैं उसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य है, अनुसूचित जाति का एक सदस्य अनिवार्य है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है क्या शामिल है ये बताना है। ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति तथा जिला परिषद, डी पार्ट है ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद ये शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन के जो है जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति एक है, क्या है एक? तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो गाजियाबाद जो दिया गया है नगर पालिका परिषद, यह सही सुमेलित नहीं, बाकी कानपुर छावनी परिषद है, नगर निगम है कानपुर में नगर निगम में लखनऊ छावनी परिषद और काकोरी में नगर पंचायत है। ठीक है,
और गाजियाबाद में जो है नगर निगम है। निम्नलिखित पंचायत चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का पंचायत राज मंत्री और राज्य का राज्यपाल, कौन करता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो राज्य का राज्यपाल करता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 तथा 243 वाई, 243 आई तथा 243 वाई में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो वो है अनुच्छेद 243 घा, क्या है? घा है, ठीक है। संविधान के भाग 9 के तहत 243D(3) अर्थात 243 घ(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतरराज परिषद या फिर क्षेत्रीय राजनीति, तो आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, पंचायती राज पद्धति, ठीक है। लोकतंत्र संस्कृत में प्रजातंत्रम जिसको कहते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतंत्र राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। पंचायती राज पद्धति जो है लोकतंत्र से संबंधित है। चार स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था PBK राव समिति के द्वारा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है, तो वो है अनुच्छेद 40, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो वो है भाग 9 का, कौन है? भाग 9 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देख लेते हैं, भाग 9 का के नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये नगर पंचायतों से संबंधित इसलिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो वो है भाग 4 में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधनों के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है, तो ये माना गया है महिला को, आंसर उसका डी पार्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के लिए महिला वर्गों को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया, ठीक है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं जिला परिषद के पदेन सदस्य, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज जो है पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, तो भारत भूमि सुधारों का क्रियान्वयन और न्यायिक पुनरीक्षण ये दोनों नहीं आता, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें सिर्फ न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन जो है यह आता है शक्तियों में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन के बिल से हुआ, तो यह हुआ था 64वां संविधान संशोधन के बिल से, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी, और यह बिल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सरकार में मई 1989 में लोकसभा में पारित हुआ था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने का कारण व्यपगत हो गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो यह 1993 में जोड़ा गया, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो यह राज्य का विधानमंडल होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, पंचायत की संरचना में कौन सा सही नहीं है यह बताना है, तो इसका आंसर जो है प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया गया, यह गलत है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल भाग 9 के उपबंधों के तहत किसी राज्य का विधानमंडल किसी द्वारा जो है विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा, और यह 243 गा तथा ग्राम
स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए अनुच्छेद 243 का। प्रत्येक राज्य ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत, लेकिन जहां ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हुए मध्य स्तर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे यह अनुच्छेद 243 खा दो के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विकल्प जो सी है वो सही है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, ये भी बातें हो चुकी है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से होता है, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे, तो ये 6 माह के अंतर्गत होंगे और जो कि 243(e)(3)(b) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो वह है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, बाकी जन स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वह सार्वजनिक अनुसंधान का अनुशासन का रखरखाव, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं होता, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनउपयोगी सेवा, सामाजिक विकास योजना स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इन दोनों में कौन सही है, एक सही या दो सही या फिर दोनों सही, तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है, विधि संस्था है, असंवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, 243 झा एक के तहत केंद्र में वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई है और जिसका उद्देश्य जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और स्थानीय शासन के बीच राज्य बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो वो है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, सूची ए को सूची दो से मिलाना है, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति और जी वी आर राव समिति, और इधर उससे संबंधित सिफारिशें दी गई, तो देखिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति का सिफारिश किया था, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति, एलम सिंह भी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति, जी बी आर राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये चारों नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, सभी हो जाएंगे, सभी में जो है 50% आरक्षण को वैध किया गया है। ठीक है, टोटल 21 राज्यों में 2022 के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 50% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए जो है प्रदान किया गया, जो कि निम्न है, ये 21 राज्य टोटल निम्न है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि इसमें उत्तर प्रदेश में से अभी नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, ग्राम सभा मतलब ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग को ग्राम सभा कहा जाता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, और यह 243 खा के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर यह इस तरीके से इसका परिभाषा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच या फिर उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, यही इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, जो कि सदस्य एक वर्ष के लिए आम सहमति के से चुना जाता है अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो वह है पंचायती राज पद्धति, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की जो है निम्न में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन की जो केंद्रीय नियंत्रण यह व्यवस्था नहीं है, बाकी वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, यह स्थिति जो है उससे संबंधित है, सही है। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है,
तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यह इसका मेन लक्ष्य है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243U में नगर पालिकाओं यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की अवधि 5 वर्ष की नियुक्त की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? इनमें से राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन या फिर सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। कौन सा है जो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो वह है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ए पार्ट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का जो पहला स्थापित कार्यक्रम जो था वह राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो कि 1953 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या फिर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किसकी होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एक विकास योजना तैयार करेगी तथा मांग के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अनुच्छेद 243ZD में जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में महानगर योजना समिति पहला है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा है, यह महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तीसरा है, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। कौन सा इसमें से कथन सही है बताना है? तो इसमें अगर हम सही कथन की बात करें तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 कथन इसमें सही है, तो आंसर आपका पहला और दूसरा हो जाएगा। बाकी इसमें से तीसरा गलत, क्यों गलत है एक्सप्लेन देख लेते हैं। अनुच्छेद 243ZE के तहत देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होता है वो सक्षम होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 ख के तहत किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? क्या होगा इसके आंसर? कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अधीन होता है, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभाग के अनुमोदन अधीन होता है, या फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होता है, या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होता है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। नगर पालिका परिषद 1961 की धारा 79(2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार यदि पंचायत छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और यह जो है संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमत हुई, 1 जून 1993 को यह लागू हुआ था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर जो है विचार करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन ए है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आ रहा है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। क्या हो जाएगा? दोनों सही है या फिर गलत है? इसके आंसर की बात करें तो ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों गलत है एक्सप्लेन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यों में पंचायतों तथा शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने होते निम्नांकित निष्कर्षों में कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है, ये बताना। इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिनकी संख्या कम से कम 5,000 हो, जिनकी संख्या कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आकृषि कार्यों में लगी हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऐसे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सभी तीन शर्तों को एक साथ पूरी करते हों। पहला है न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो। दूसरा है कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर या नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसे नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगा कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और स्थानीय शासन के मध्य राज्य राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो वो होता है राज्य वित्त आयोग। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पंचायत या नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो यह किया गया था 1993 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, तो वो होता है सरकारी अनुदान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला नगर निगम भारत का कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में स्थापित हुआ था 1688 को। 29 सितंबर को मद्रास चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। यह नगर निगम भारत में ही नहीं ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम था। 73वां संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है, ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं को 2/3 आरक्षण। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, यही इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वही 1/3 आरक्षण दिया गया है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है इसमें से, देखिए इसमें से अगर हम देखें तो इनमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। उपरोक्त तो सभी सही हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपरोक्त तो सभी सही हैं। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जनता स्थानीय जनता का पूरा सहयोग आवश्यक है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये वैशिष्ट्य नहीं है, विशिष्टता नहीं है। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। CDP और NES पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने अपने स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो वो थे बलवंत राय मेहता। कुल मिला के आप ये जानिए कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, जहां आप ये अक्षर देखेंगे त्रिस्तरीय, वहां बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार के स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता, तो वह है नागरिकों की शिकायतों पर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो वो MK गांधी के द्वारा किया गया था, डी पार्ट, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट टाइम कहा गया था, महसूस किया गया था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाएंगे जाने चाहिए। ठीक है, कथनों पर विचार करना है, देखते हैं कथन। स्थानीय शासन पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक अंतः खेल कम हो गया है। संविधान के 73वें संविधान के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया, क्या इसमें सही है, सही की बात करेंगे तो दोनों सही है और R A की सही व्याख्या स्पष्टीकरण भी ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पेशा नियम क्या है, पेशा नियम की बात करेंगे तो ये जो है एक वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पेशा नियम के अनुसार सदस्य एक वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में से यदि आम सहमति नहीं बन पाती तो अनुसूचित जाति की सबसे उम्रदराज महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर है पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है, तो वह है असम, मेघालय और तमिलनाडु पर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 10 राज्यों पर प्रवर्तनीय नहीं है, 10 राज्यों में लागू है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान में लागू है, जबकि असम, मेघालय, तमिलनाडु में ये प्रवर्तन नहीं है। ठीक है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है खंड विकास अधिकारी। क्या कहा जाता है, खंड विकास अधिकारी। ठीक है,
आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, खंड विकास अधिकारी। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय क्या है, तो राज्य सूची की विषय है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुका है। नेक्स्ट सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से मिलान करना है, पंचायती राज समितियाँ दी गई, वर्ष दिया गया है, तो इसको मिलाते हैं। चलिए एच सी हनुमंता राव समिति जो आई थी ये आया था 1984 में, जी बी के राव समिति 1985 में, अशोक मेहता 1977-78, एलम सिंह भी 1986, बलवंत राय मेहता 1957 में आया था। ठीक है, इन लोगों में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो वो है दिनेश गोस्वामी समिति, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुका है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन अधिसूचना जो है कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है राज्यपाल, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूची एक को सूची दो से फिर मिलान करना है, तो देखते हैं इसको मिलान कर लेते हैं। पंचायत समितियों के नाम है और भारत से संबंधित प्रांतों के नाम, तो जनपद पंचायत जो है मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में, और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने पर पश्चात पुनर्गठित केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी करती है, इसमें से बताना है कि दोनों सही या फिर एक सही है, तो केवल दो सही, इसका पहले भी जिक्र हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही चुनना है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और फिर राज्य निर्वाचन, इनमें से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक दो और तीन होगा, यानी कि इसमें से जो डी पार्ट राज्य निर्वाचन, ये संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 टा के तहत, राज्य वित्त आयुक्त अनुच्छेद 243 झा के तहत, और जिला पंचायत अनुच्छेद 243 खा के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम है संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतर स्थापित किया गया है। दूसरा है, संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, पहला है नगर पालिका, दूसरा है नगर निगम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, कथन एक सही है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम नगर पालिकाएँ होती हैं, अतः कथन दो जो है गलत है। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस कहाँ से कहा जाता था, तो चोल साम्राज्य से कहा जा सकता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है, किसमें निहित है, तो ये निहित है राज्य निर्वाचन आयोग में, इसके बारे में बात हो चुकी ऊपर। अनुच्छेद 243 ना संबंधित है, 243 ना जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है, पहला है जिला योजना समितियों के गठन करने की, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों के चुनाव चुनने की, तीसरा है राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, पहला दूसरा या तीसरा कौन सा हो जाएगा सही इसमें, तो सही है इसमें दूसरा और तीसरा। ठीक है, बाकी पहला गलत है इसका, पहला क्या है, पहला है जिला योजना समितियों के गठन करने की, यह गलत है, क्यों है देखते हैं। देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ढा ओ तक जो है पंचायतों से संबंध में व्यवस्था की गई है। 243 टा यानी कि के अंतर्गत, यानी इंग्लिश में के और हिंदी में टा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, तथा 243 झा यानी कि आई के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधित व्यवस्थाएँ। जिला योजना समितियों का गठन अनुच्छेद 243 जेड डी में है और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 जेड ई किससे संबंधित है, तो ये संबंधित महानगर गठन योजना समिति से, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें से कौन सा गठन सही है ये बताना है, तो इसमें जो दूसरा दिया गया राज्य वित्त अध्यक्ष वित्त आयोग बाकी गलत है, बाकी इसमें 1, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, इसकी रचना में निम्नलिखित सदस्यों के प्रावधान है, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यह सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन यह भी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण यह गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन से संगठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य या राज्य तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हैं तो शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 341(1) अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति अनुसूचित जाति के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, और 342(2) के तहत किसी अनुसूचित जनजाति को जो सूची में सम्मिलित उसमें अपरिजित कर सकती है। इस प्रकार शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के संदर्भ में अनुसूचित 342 में प्रदान किया गया अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है क्या है? तो यह जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नव युवकों को द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया आम चुनाव में? तो पहली बार किया गया 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था जो कि 1989 से प्रारंभ हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा आम सभा चुनाव में हुआ था। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो वह है वैधानिक अधिकार। कौन सा है? वैधानिक अधिकार। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो वह संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे यह बताना। आंसर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहब कालेलकर। कौन थे? काका साहब कालेलकर। अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 पंचायती राज, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।